नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फरीदकोट में तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो लोगों की मौत। जालंधर के दशमेश नगर स्थित बर्फ की फैक्ट्री से गैस हुई लीक, इलाके में मचा हड़कंप। जंडियाला गुरु की फतेह एकेडमी के बच्चों ने अमृतसर में हुई ऑल इंडिया कराटे डू चैंपियनशिप में पदकों की लगाई झड़ी, ओवरऑल कप पर किया कब्जा। और अब हलचल विस्तार से। फरीदकोट से सादिक जा रही तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके चलते मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंधी सूचना मिलते ही फरीदकोट के हलका विधायक गुरदीत सिंह सेखो मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखदायी घटना है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। मृतकों के परिजनों ने कहा कि पुलिस की गाड़ी ने उनके पारिवारिक सदस्यों की जान ली है, जो मौके से जख्मियों को अस्पताल ले जाने की बजाय मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस प्रभारी अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे अभी मौके पर पहुंचे हैं और जांच की जा रही है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी किसकी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जरा फरीदकोट सादिक रोड है, इतों मचाकी खुरद न सड़क मुड़ती है। ये तो मोटरसाइकिल वाले अगे आ रहे थे, अचानक उन्होंने मचाकी खुरद न मुड़ना से ते पिछे तो गड्डी आ रही थी, तो वह जोड़ा है गड्डी ये वजन न दो बंद साथियों की मौके पर मौत हो गई। मेरे आने तो थोड़ा समा पहला एक्सीडेंट हो गया से, असी पिंड गए हुए थे, इतने आके पता लगा मेरे ही हल्के पिंड झोटी वाले के दोने परिवार है। बहुत दुखदाई घटना है, इस उम्र के नौजवान एक बजुर्ग है, परिवार को हर एक बंदे की लोड़ होती है, तो बड़ा दुखदाई समा। हर एक कोशिश करेंगे जिनी भी हो सके परिवार की मदद भी करेंगे, तो नाल जिहड़ी कोई किसी की गलती है वो देखा जाऊगा भी गलती की किस कारण एक्सीडेंट हूँ ही पता लगे जी। एक्सीडेंट होया पायलट गड्डी सी, उन्हें दो मोटरसाइकिल सवार बजे है, एम्बूलेंस आ गई, उन्होंने रुकवा दिता है। वेखन वाले दस रहे कि लड़कियों की मौत हो गई है, कर रहे हैं पड़ताल कर रहे हैं। पायलट है जी, मैं आप हूँ आया है, शायद दस रहे भी एम एल ए साहब की पायलट गड्डी है, देख लें जी, चेक कर लें। हूँ ही जस्ट पहुंचे ही हैं मैं थोड़े आने, मैं आप जो पूछना इन्होंने मुलाजम जो पहले आए हुए मौके पर उन्होंने पूछ के फिर तुम दस। लुधियाना के बाद अब जालंधर की एक फैक्ट्री से गैस रिसाव का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात लाडोवाली रोड के पास दशमेश नगर में बर्फ की फैक्ट्री से गैस लीक हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद इलाका वासियों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी और आंखों में जलन पैदा होने लगी। वहीं कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। इलाका वासियों ने बताया कि रात 8 बजे से गैस लीक हो रही है, इस गैस की वजह से कुछ लोगों को उल्टियां भी शुरू हो गई। दशमेश नगर के मनेंद्र शिंपू ने बताया कि पिछले कई सालों से दशमेश नगर में एक सूर्य कोल्ड स्टोर है, जहां से हर 10 दिन बाद गैस लीक होती है, जिस वजह से इलाका वासियों को काफी परेशानी होती है। इस बारे में जालंधर के डीसी और डीसीपी जगमोहन सिंह को कई बार मोहल्ला वासियों ने शिकायत दी, लेकिन कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए। वहीं जब इस बारे में कोल्ड स्टोर के फैक्ट्री मालिक से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि उनकी फैक्ट्री से कोई गैस लीक नहीं होती है, गटर की ब्लॉकेज के कारण गैस लीक होती है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। असी न्यू दशमेश नगर रहने हैं, तो इतने शाम की 7:30 बजे की गैस काफ़ी लीक हो रही है, तो जो कि अखा च इन्नी ज़्यादा चढ़ रही है, ईवन सह लैन बहुत प्रॉब्लम हो रही है सानू, तो असं काफ़ी देर तो बस इतने सारे इकट्ठे होकर एक्शन लैन की कोशिश कर रहे हैं कि गैस जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके, बट यह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है साढ़े लिए। कितना टाइम हो गया ये जी गैस लीक होंगी है?
ਅੱਜ ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਕੋ ਆਫਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, PCR ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, SSP ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਟਰ ਦੀ ਲੈ ਗੈਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਾਡੂ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਆਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਗੈਸ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਬਈ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰੂ ਗੈਸ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ? ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਆਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਗਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਗਟਰ ਦੀ ਗੈਸ ਆ, ਗਟਰ ਦੀ ਗੈਸ ਆ, ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਟਰ ਦੀ ਗੈਸ ਤੇ ਐੜੀ ਆਈਸ ਦੀ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਟਰ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਗਾੜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਗੱਡੀਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਸਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਾਰ 'ਚ ਭਾ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰੇ। आजकल के दौर में जहां बच्चे टीवी और मोबाइल तक ही सीमित होकर रह गए हैं, तो वहीं आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ग्राउंड से करते हैं और अपने स्कूल समय के बाद दोबारा शाम को भी ग्राउंड में ही दिखाई देते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे ये 4 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे कराटे खेल के माध्यम से इसे शानदार तरीके से खेलते हुए स्थानीय क्षेत्र में धूम मचा रहे हैं। स्वयं रक्षा के लिए विदेशों में अग्रणी खेल कराटे अब पंजाब में भी बच्चों की मनपसंद बनती जा रही है। आपको बता दें कि फतेह एकेडमी मार्शल आर्ट जंडियाला गुरु के कोच पलविंदर सिंह और कोच राजबीर कौर की ओर से पिछले कुछ समय से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और अब ये बच्चे नेशनल स्तर पर अलग अलग जगहों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल कर इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में खालसा कॉलेज अमृतसर में हुई 10Q रिन ऑल इंडिया कराटे डू चैंपियनशिप में देश भर के अलग अलग कोनों से लगभग 750 बच्चों ने हिस्सा लिया, तो वहीं फतेह एकेडमी के 31 बच्चों ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर ओवरऑल कप पर कब्जा किया और अपने इलाके का नाम रोशन किया, जिससे बच्चों के कोच और अभिभावक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी सर, मेरा नाम परमिंदर कौर है, मेरी बेटी हरकिरत कौर है, जी मार्शल आर्ट फतेह अकैडमी तो परफॉर्म करके आए हैं, तो सारे ही बच्चों ने बहुत वधिया परफॉर्म किया है, तो सारे ही मतलब पेरेंट्स बहुत खुश ने, असं भी बहुत खुश हाँ, तो हूँ इस तो बाद साढ़े बच्चे जोड़े आ नैशनल खेडन भी जाएंगे कर्नाटका। मैं गवर्नमेंट में ये सुजैसट करना चाहनी हाँ कि बच्चों मोटीवेट कर कि एक बच्चे उन्हों का हौसला अफजाई कर, कुछ उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करन, बच्चों ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਫਤਿਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖੋ ਖੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਗਰਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਾਟੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 10 ਰਿਊ ਕਰਾਟੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਹਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 750 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਤਿਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਗੋਲਡ, 9 ਸਿਲਵਰ, 9 ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੋ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਗਿੱਲ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇਂ ਆਗੇ ਆਏ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਕੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਰਾਏ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ੋਂ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪਦ ਪਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੇ, ਅਨਯਥਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੀਖੇ ਆੰਦੋਲਨ ਕੇ ਲੀਏ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ SSP ਨਾਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ ਹੈ 01-01 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ DA ਲਿਖ ਲਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਓ। ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ
परचा एट दिस अबाउट गिरफ्तारी। पर रब जाने पता नहीं कि मजबूरी से पुलिस प्रशासन की भी जिन्होंने 5 महीने इस मसले में लगा दिते। अमनदीप जी, मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में बतौर लैक्चरार अर्थशास्त्र जो अपनी सेवावान निभा रहा वा। बड़ी अनफोर्चुनेट जी गल है कि 25 जनवरी मैडम प्रिंसीपल श्रीमती परमजीत कौर वालों जोड़े आ मेरे तो बच्चों के संदर्भ के जरा जाति सूचक शब्द जोड़े मैं इस टाइम रिपीट प्रेस के अगे नहीं कर सकता वो बोले गए। उस तो बाद स्टाफ मीटिंग दे विच मैडम ने बिल्कुल खुलेआम एक्सैप्ट कर लिया कि मेरे को यह शब्द बोले गए और मैं शब्द सिर्फ तुहाडे लई नहीं ये समाज लई बोले आ। जिदे ते रिएक्ट करदिआं मेरे पूरे स्टाफ मैंबर ने मैडम नूं कहा कि मैडम तुसीं गलत हो तुहानूं लिखती माफ़ी जिहड़ी है जिहड़ी मंगनी बनदी है। उस तो बाद मैडम ने आश्वासन दिता कि मैं लिखती माफ़ी जल्दी जिहड़ी मंग लाँगी। लेकिन 10 दिन गुजर जाने तो बाद जदों साडे कोल सीनियर लैक्चरर मैडम कोल इस मुद्दे नाल गए तो उन्होंने बिल्कुल कोरी ना कर दी कि मैं किसी को कोई माफ़ी नहीं मंगनी तुसी जिथे भी कार्रवाई करना चाहते हो कर लो। जिला बरनाला के तकरीबन 50 विभागों के सहयोग से सरकारों द्वारा दी जा रही सभी स्कीमों को एक पुस्तक में कैद कर लोगों तक पहुंचाने के मकसद से पहुंच पुस्तक जन तक की गई और आज इस पुस्तक का फायदा जिला बरनाला के साथ साथ पंजाब भर के लोग भी उठा रहे हैं। इस पुस्तक की सराहना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद की और डिप्टी कमिश्नर बरनाला को अपने दफ्तर बुलाकर उनका विशेष आभार प्रकट किया गया और उस पुस्तक को जन तक भी किया गया। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन बरनाला वालों जो पहुंच किताब लॉन्च की गई है मेरे हिसाब नाल बहुत ही चंगा उपराला है तो ये लोगों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। ये मैंने पता लगे कि ये तकरीबन 44 डिपार्टमेंट है 400 सेवा केंद्र स्कीम बारे वेरवा दिता गया है। अक्सर की होंगे कि पहला लोगों तक स्कीम बारे पता ही नहीं चलता सी लोग दफ्तर जाते उतों पूरी तरह वेरवा नहीं मिलता सी पर हुण किताब के आने के लोगों को काफ़ी जिहड़ियां स्कीम ने चाहे वह सगन स्कीम आ जाति सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आ कोई किसानों के संबंधित कोई इस तरह का भी कोई लाभ वाली स्कीम ने भी वो तो यह लाभ प्राप्त हो सकता है। मैं ये पता लगे भी 2 दिन पहला मैं अपने बच्चे का रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना सी ते उदे विच इन्हां ने जिला प्रशासन बरनाला ने किताबा भी लॉन्च कीतियां ने नाल बारकोड भी दित्ते ने मैं वो बारकोड स्कैन किया उदे च रेजिडेंस सर्टिफिकेट बारे पूरी दी पूरा वेरवा आ गया ते उदे च मैं उन्हूं सिलैक्ट किया उदे नाल संबंधित जिहड़े दस्तावेज सी मैं सारे उत्तों जो वेरवे सहित फाइल दे नाल लगा के सबमिट कराते ते 2 दिन बाद मैनूं सर्टिफिकेट जारी हो गया। जिहड़ी पहुंच किताब है उहदा साडा मुख मकसद उहदे विच इह है कि जिहड़ियां भी सरकारी स्कीमां ने या जिहड़े भी सेवा केंद्र दे विच एप्लीकेशन दे लई दस्तावेज चाहीदे ने उहनां दी डिटेल असी पहुंच दे विच दित्ती है। असी एक सिंगल प्लेटफॉर्म राही लोकां तक इह इनफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं। वैसे इनफॉर्मेशन जिहड़ी है हरेक संबंधित विभाग की वैबसाइट पोर्टल दे उत्ते है लेकिन किसी भी एक आम नागरिक दे लई उस इनफॉर्मेशन तक पहुँचना सौखा नहीं है क्योंकि हरेक दे अलग अलग वैबसाइट्स ने उन्होंने अलग अलग लिंक्स ने सो एक कॉमन मैन दे लई उन्हां तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए असी इसनों जो है एक किताबचा बनाया है जिहड़ा कि असी शुरुआत दे विच 50,000 कॉपी जिहड़ी है लोगों तक वंडी है। इस दे विच उत्साह देख के लोगों दे विच इहदी मंग नूं देखदे होए असी फिर एक QR कोड दा एक पोस्टर बनाया है जिहड़ा कि असी सारे जिहड़े पब्लिक डीलिंग दे दफ्तर ने उहनां दे विच लगाया गया है। उत्थों उहदी बार कोड दे नाल लोग इसनूं बड़ा ईजीली स्कैन कर सकते हैं वो सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है डाउनलोड होकर उन्होंने टेलीफोन दे विच आ सकती है। कि हाँ असी लोगों की सहूलत नूं देखते हुए असी इहदी एक ऐप भी बनाउण जा रहे हैं। ऐप जो है एक सर्चेबल ऐप है जिहदे विच बंदा अपनी योग्यता पाएगा अपना जेंडर पाएगा उसका किता पा के उस नाल दी नाल उहदी जिहड़ी है सर्च उस दीआं लोड़ां तक सीमित हो जाएगी। जलंधर में अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार भाई रंजीत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंथक अकाली लहर की तरफ से नौजवानों को अपील की कि बादल परिवार को गुरुद्वारा प्रबंधक से हटाने के लिए लोगों से गांव में ही बूथ बनाए और कमेटी की होने वाली वोटों के लिए कमर कस लें। आगे बातचीत करते हुए उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को लेकर कहा कि कमीज की तरह जत्थेदार बदले गए और आज उनका बेटा भी वही कर रहा है। अभी जो कुछ भी हुआ वो तख्त का अपमान है। भाई रंजीत सिंह ने कहा कि बादल परिवार ने धर्म पर जो
संगल डाला है उसको हम जरूर तोड़ेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं तुहाडी प्रेस दे राही पंजाब दे विच वास्ते विदेशां च वास्ते सिखां नूं अपील कर रहा हाथ जोड़ के कि हरेक पिंड दे विच एक बूथ कमेटी बनाओ जिहड़ी कमेटी साडी पंथ अकाली लहर दी बांह बने सपोर्ट बने वो पंथ कमेटी प्रबंध वो जिहड़ा बूथ कमेटी वह बना के सानूं वट्सअप असीं दे रहे हैं 708-708-1122 ये इस वट्सअप नंबर पर अपनी आई डी तो अपनी टीम का नाम साढ़े को भेजो ताकि असी संपर्क कर सके असी सारे चार्ज फेरों सपोर्ट इकट्ठी करके तो असी प्रबंधक कमेटी इलेक्शनों एक किला बना सकी। फिरोजपुर छावनी के लाइन क्लब ग्रेटर में स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा जी की याद को समर्पित फ्री खूनदान एवं मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर फिरोजपुर के एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने शिरकत की। इस खून दान कैंप में 100 के करीब लोगों ने खून दान किया। इस दौरान कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने अपना सहयोग भी दिया। फरीदकोट मेडिकल हॉस्पिटल से और सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर के माहिर डॉक्टरों ने लोगों का चेकअप किया और इस कैंप में दवाइयाँ भी निःशुल्क दी गई। लोगों ने इस कैंप का भरपूर लाभ उठाया। कैंप में आने वाले सभी लोगों के लिए खाने का प्रबंध भी किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। एक बहुत ही बढ़िया उपराला है जी, अपन लोगों का खून डोलन की थान से अपना खून डोनेट करके लोगों की जाना बचानी चाहिए तो ये मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देना जिन्होंने हूँ तक कई नीयरली 100 के करीब जो खूनदान हो चुके हैं 100 जन ने खूनदान किया 100 जन तो ये बहुत ही वधिया एक उपराला है तो अपन लोगों की जान बचाने वास्ते करना चाहिए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई जिसमें सर्वप्रथम माँ त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया जिसके पश्चात भजन गायक चंदन एंड पार्टी गुरदासपुर वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता ने विशेष रूप से पहुंचकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जो भी हो गया तू रखे उस दामन है। कदी आया ना मेरा जो दामन है।
अमर मंदिर सेंट्रल टाउन के ट्रस्टी इंद्र कुमार चौहान अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु के चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री सत्यनारायण मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में शांति पाठ व रस्म क्रिया का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बैरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी, सुभाष सूद, सुदेश धवन, प्रवीण हांडा, बलराज गुप्ता, अनिल सचर, महेंद्र वर्मा, प्रवीण पप्पी, अरुण बजाज, दुर्गेश जोशी, रमन शर्मा, अश्वनी शर्मा, विजय कालिया, अईमता सुधासुरी, सुभाष मल्होत्रा, सुरेश चौहान, विपिन चौहान, गौरव, इंदु, अनु, जगदीप और विनोद सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े सदस्यों ने दिवंगत इंद्र कुमार चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोशिश हो रहा है कि वो कितना टाइम और कितना वक्त और संस्कार दे सकते हैं। जाना मृत्यु दो शब्द है, जीने इंसान की जिंदगी का वक्त बीत जाता है लेकिन जो कर्म याद रखता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। फरीदकोट में तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो लोगों की मौत। जालंधर के दशमेश नगर स्थित बर्फ की फैक्ट्री से गैस हुई लीक, इलाके में मचा हड़कंप। जंडियाला गुरु की फतेह एकेडमी के बच्चों ने अमृतसर में हुई ऑल इंडिया कराटे डू चैंपियनशिप में पदकों की लगाई झड़ी, ओवरऑल कप पर किया कब्जा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।